वो तो अपने टायरों की मैनुफेक्चरिंग डेट नहीं पता चल रही इसका मतलब आपका टायर पुटा पड़ा हुआ रहा है जान उसको जाके सीधा करो सीधा करो सीधा करो ये भी बेहतरीन ब्रांडेड है लेकिन जूती की इनर साइड बाहर है और आउटर साइड अंदर आपने इसकी मैनुफेक्चरिंग डेट भूंगी है जैसे ये मैनुफेक्चरिंग डेट इस पर लिखी हुई है इस इसको ये देखिए थर्टी नाइन नाइनटीन ये मैनुफेक्चरिंग डेट लिखी है मेरे चैनल पर पहले भी मौजूद है इस बारे में आप तफी तो उसमें भी देख सकते हैं मैनुफेक्चरिंग डेट टू टायरों के ऊपर कैसे पढ़ना है टायर उस्ताद को जो एक चीज़ टेक्निकल नजर आई है जो कि हर बंदे को नहीं पता चलता वो देखेंगे क्या है उस्ताद जी आपको सलूट है टाइप उस्ताद जी सर सलूट है ये मैं सलूट करता हूँ आपको तो ये टायर बिल्कुल जो है वो सही पड़ा हुआ है ये टायर जो है वो बिल्कुल सही परा हुआ है ये आउटसाइड पे होना चाहिए इसका मतलब है इसकी आउटर वॉल जो है बिल्कुल सही है ये आउटसाइड पे ही वॉल आनी चाहिए थी और ये टायर परफेक्ट परा हुआ है परफेक्ट टायर है ठीक है लाजमी नहीं कि हर टायर के ऊपर आउटसाइड या इनसाइड लिखा हो लेकिन जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी तो ये है ये देखें एस टूरिंग टायर पर हमें एक पचहत्तर सत्तर पे इसका टायर है अल्लाह व्यवर्स मैं हूँ आपका टायर उस्ताद वो उसताद जो जानता है टायरों के सब राज आपको बताता है टायरों के सब हाथों आम पच्चीस साल का तजर्बा तो रखने वाला देगा आपको सब मालूम तो गाड़ी के ऑनर का ये मसला है कि गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी ट्रेवल करती है थोड़ा तो सा इसके टायर कामते हैं और जो है गाड़ी की लाइनमेंट भी सही है और बैलेंसिंग भी उन्होंने चेक करवाई है लेकिन टायर जो है न वो कामते हैं और वहाँ करते हैं और गाड़ी को देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा मसला है इसके टायरों में चलें देखते हैं इसको सबसे पहले देखते हैं टायर्स कौन से पड़े हुए हैं तो इसको अच्छे टायर पड़े हुए हैं एस पी स्पोर्ट्स एस पी टूरिंग टायर परा हुआ है एक पचहत्तर सत्तर तेरह इसका टायर है और डाल लो ब्रांड है डालो ब्रांड भी अच्छा है और इसमें जो टायर उस्ताद को जो एक चीज़ टेक्निकल नज़र आई है जो कि हर बंदे को नहीं पता चलता वो देखेंगे क्या इन साइड ये इन साइड होना चाहिए टायर का और ये बायर वाली साइड पे लिखा हुआ है और बाकी टायरों को देखते हैं ये पहला टायर तो पकड़ा गया है ये टायर जो है वो इन साइड होना चाहिए साइड जो है ये जो ट्रेड है ये देखें ट्रेड की जो साइड है ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब ये टायर इन साइड ना और आउट साइड लगा हो यानी कि अंदर वाली साइड बाहर लगी हुई है आप दूसरे साइड पर आते हैं तो इस टायर को देखते हैं तो ये टायर ये भी सेम चीज़ है इस पर भी इन साइड ही टायर जो है ना वो लगा हुआ है बाइट वाली साइड पे इनसाइड साइड होनी चाहिए जो कि बाई वाली साइड पर लगी हुई है अब दूसरी साइड देखते हैं इसका देख लें सेम केसेस है ये भी इनसाइड टायर की साइड आनी चाहिए जो कि जो है ना बाई वाली साइड पे लगी हुई है आप कह रहे होंगे कि तीनों साइड तो इनसाइड लगी हुई है नहीं ये गलत हुआ हुआ है जो भी हुआ हुआ है अब चौथा टायर देखते हैं ये जो टायर है ये आउटसाइड लगी हुई है ये देखें ये आउटसाइड लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा लेकिन ये आउटसाइड वाला मसला है कि आउटसाइड जो है ना टायर अब ये जो गाड़ी के चारों टायर है ना ये इसी तरह ही जिस तरह आउटसाइड लिखा हुआ है ये आउटसाइड चारों टायरों पे आउटसाइड आना चाहिए इसकी इसी वजह से गाड़ी शोर भी करती है और गाड़ी ट्रम्बल भी करती है कामती है खासतौर पर जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी एकदम थोड़े से झटके लेगी ये आउटसाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको ये आउटसाइड वॉल है ये बाहर वाली साइड पर होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही डला हुआ है और अगर ये आपको आउटसाइड लिखा हुआ नहीं भी है टायर के ऊपर तो आपने इसकी मैनुफेक्चरिंग डेट ढूंढनी है जैसे ये मैनुफैक्चरिंग डेट इस पर लिखी हुई है इस पर ये देखिए थर्टी नाइन नाइनटीन ये मैनुफेक्चरिंग डेट लिखी है मेरे चैनल पर पहले भी मौजूद है इस बारे में आप तफ़ीत तो उसमें भी देख सकते हैं मैनुफेक्चरिंग डेट और टायर के ऊपर कैसे पढ़ना है तो ये टायर बिल्कुल जो है वो सही पड़ा हुआ है ये टायर जो है वो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है ये आउट साइड पर होना चाहिए इसका मतलब है इसकी आउटर वॉल जो है बिल्कुल सही है ये आउट साइड पर ही वॉल आनी चाहिए थी और ये टायर परफेक्ट पड़ा हुआ है परफेक्ट टायर है इनर साइड यानी कि इसकी ये जो इनर साइड है ये इन साइड ये ये अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए ये बाई वाली साइड पे आई हुई है इस वजह से इसका जो ट्रेड है ये उलट हो गया हुआ है अब ये जब भी टायर चलेगा ना तो ये ये अब देखें ये उल्टा चल रहा है और वो वाला टायर सीधा चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आवाज़ करेंगे और एडजस्ट करेंगे ये वो वाला टायर है जो कि उल्टा पड़ा हुआ है इसकी ट्रेड आप देख लें ठीक है और ये अब हम आगे जा रहे हैं और ये टायर है जो कि सीधा पड़ा हुआ है और इसकी ट्रेड आप देख लें इससे भी पूरा वाजह तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या इसके साथ हुआ है अब ये टायर जब वो सीधा चल रहा है वो टायर पुटा चल रहा है तो वो आवाज़ तो करेगी और गाड़ी कांपेगी तो सही फिर क्यों ही कंपेगी भाई उस्ताद जी आपको सलूट है टायर उस्ताद जी से सलूट है ये ले, मैं सलूट करता हूँ आपको कि आपने इतना वेट लगाना मुनासिब समझ लिया कस्टमर के पैसे खर्च करवा दिए लेकिन आपने इतना नहीं देखा कि ये इन साइड लिखी हुई है इसको इनर साइड पे आना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसके ऊपर कोई नहीं है आफरीन है ऐसे लोगों ने ही हमारी ट्रेड का बेघर किया हुआ है यानी कि भाई तुम्हारा क्या जाता था दो मिनट एक्स्ट्रा लगने से आप ज़रा देख लेते कि ये जो है ना मैं इतना वेट लगा रहा हूँ टायर के साथ क्या इशू है अब टायर का जो इनर साइड आउट साइड पर आएगी आउट साइड इनर साइड पर आएगी तो उसके जो है ना बैलेंसिंग में भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और अलाइनमेंट में भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है अब ये कितने लोगों के पास जा चुके हैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा चुके हैं और इनको ये मसला हल नहीं हुआ हर फिर टायर उस्ताद को ये मसला समझ आया और वो वही आपको बता रहा था कि दूसरे व्यूअर्स भी इससे होशियार हो जाएं और अपने अपने टायर अभी जाके चेक करें कि आपकी जो गलत साइड तो नहीं लगी हुई टायरों की और इनर साइड इनर साइड पे आनी चाहिए आउटर साइड आउटर साइड पे आनी चाहिए अगर इनसाइड आउटसाइड टायर के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो मैनुफैक्चरिंग डेट वाली साइड बाय वाली साइड पर होनी चाहिए आपकी तो फेस कर रही होनी चाहिए टायर की टायर जो है ये दूसरी गाड़ी को देखना चाहिए ग्रैंड ट्रैक का टायर पड़ा हुआ है डालो का और इस पर भी किसी जगह पर भी आउटसाइड या इन नहीं लिखा हुआ ठीक है लाजमी नहीं कि हर टायर के ऊपर आउटसाइड या इन लिखा हो लेकिन जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वो ये है ये देखें मैनुफेक्चरिंग डेट बाई वाली साइड पर आ रही है इसका मतलब ये टायर बिल्कुल सही पड़ा हुआ है मैनुफेक्चरिंग डेट बाई वाली साइड पर आनी चाहिए मैनुफेक्चरिंग डेट्स भी इंपॉर्टेंट है अगर टायर के ऊपर इनसाइड या आउटसाइड नहीं भी लिखा होता तो आपकी मैनुफेक्चरिंग डेट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट अब इस गाड़ी को हम लोग लेके जाएंगे और इसके टायर चेंज करवाएंगे और टायरों की डेक्शन सीधी करवाएंगे और गाड़ी टम्बल करती थी और आवाज़ देती थी और खासतौर तौर पर ब्रेकिंग में बड़ा गाड़ी जो है ना खिंचती थी रुकती थी और झटके मारती थी हल्के हल्के तो अभी ये टायर जब चेंज होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि टायर कितना फ़र्क डालता है गाड़ी के ऊपर ये कोई आम चीज़ नहीं है इसको लाइट ना लें फौरी तौर पे अपने गाड़ी के टायर चेक करें उसकी इनर साइड जो है वो इनर साइड पे लगवाएं आउटर साइड आउटर साइड पे लगवाएं जिस टायर के ऊपर मैनुफेक्चरिंग डेट होती है वो बाई वाली साइड पे मैनुफेक्चरिंग डेट आनी चाहिए मैनुफेक्चरिंग डेट अगर अंदर वाली साइड पर लिखी हुई है या आपको अपने टायरों की मैनुफेक्चरिंग डेट नहीं पता चल रही इसका मतलब आपका टायर पुट्ठा पड़ा हुआ भाई जान जाके सीधा करो सीधा करो सीधा करो आएं आपको इस तस्वीर के जरिए समझाते हैं यह तस्वीर इस गाड़ी की सही तज़मानी कर रही है माशाल्लाह से देखें पाओ भी गुजार लाई की ख़ूबसूरत है जूती भी बेहतरीन ब्रांडेड है लेकिन जूती की इनर साइड बाहर है और आउटर साइड अंदर आपको टायर उस्ताद की वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप किसी टायर या टायर शॉप का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा इन जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और यह मत भूलिएगा कि टायरों की इस दुनिया का मैं एक माहिर ही नहीं टायर उस्ताद हूँ मैं